वेलकम स्टूडेंट्स, कल हमने कंडीशनल एंट्री की थी। तो देखिए, कंडीशनल एंट्रीज में क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो आप देखेंगे, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी मेड इन द फॉलोइंग केस। अब देखिए, एक कंपनी इशूड रुपीज 40,000 12% डिबेंचर एट पार रिडीम एट पार। तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब रुपीज 40,000 लिखा है तो हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 40,000 लिखना है फॉर डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद देखिए, हम इसको ट्रांसफर करेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर 40,000 फॉर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ये आपकी हो गई इश्यू के समय। अब आपने क्या करना है, रिडम्पशन करना है। तो रिडम्पशन के समय हम क्या करेंगे, ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 40,000 फोर अमाउंट ऑफ डिबेंचर ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 फोर अमाउंट ऑफ डिबेंचर पेड टू डिबेंचर होल्डर। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है, डिबेंचर इश्यू एट डिस्काउंट रिडीम एट पार। इश्यू एट डिस्काउंट, अब डिस्काउंट है 10%। तो 10% आपका डिस्काउंट है, तो 40,000 का 10% 4,000 माइनस कर देंगे तो ये 36,000 अमाउंट हो जाएगी। 36,000 यहाँ 36,000 लिखेंगे और इसके साथ हम जर्नल एंट्री कर देंगे, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 4,000। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 36,000, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट टू 12% डिबेंचर फॉर डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। और रिडम्पशन के समय सेम है एट पार, तो यही एंट्री करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। इसके बाद देखिए, थर्ड पॉइंट है प्रीमियम पे। अब हमने डिबेंचर 5% प्रीमियम पर इश्यू किए हैं। अब देखिए, प्रीमियम पर इश्यू किए हैं तो 40,000 और 40,000 का 5% 2,000, 42,000 रुपये हमारे पास आए। तो यहाँ लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 42,000 रुपये, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 42,000 रुपये, टू डिबेंचर 40,000 रुपये, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2,000 रुपये, फोर डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। और रिडम्पशन के समय वही एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। अब देखिए, नंबर 4 पे इश्यू एट पार रिडीम एट प्रीमियम। आपने इश्यू जो किए हैं ना, वो तो एट पार किए हैं 40,000 के 40,000 में, लेकिन जो आपने रिडीम करने हैं वो एट प्रीमियम है, यानी जब आपने डिबेंचर की पेमेंट करनी है तो आपने 4,000 रुपये फालतू देना है 10%। तो हम यहाँ लॉस लिखेंगे, लॉस ऑन
इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 4000 किसकी वजह से लॉस हुआ है, प्रीमियम की वजह से, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 4000, ठीक है। और यहां 10% है तो यहां एक एंट्री बढ़ा देंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 4000, टू डिवेंचर होल्डर 44000, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 44000। ये था पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 में आपका जो है डिवेंचर इश्यू एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम, देखिए इश्यू एट डिस्काउंट 5% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है और 5% क्या है प्रीमियम है, तो सबसे पहले 5% 2000 घटाएंगे तो यहां जर्नल एंट्री करेंगे 38000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 38000, यहां लिखेंगे 38000। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आपका 5% प्लस 5% 10% लॉस हो गया 4000 रुपए, टू डिवेंचर 40000, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2000, ठीक है। और यहां 2000 आ जाएगा, 42000 की हम क्या करेंगे पेमेंट कर देंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर सिक्स में इश्यू एट प्रीमियम रिडीम एट प्रीमियम, अब 5% प्रीमियम लेना है आपने, आपकी बुक में नहीं है ये, ऐड करना है इसमें, तो 5% प्रीमियम पर इशू किए 40000 का शेयर कितने में दिया 42000 में, तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 42000 रुपए, और 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 42000 रुपए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2000, टू 12% डिबेंचर 40000, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2000। और आपकी रिडम्पशन के समय यही ट्रांजेक्शन हो जाएगी, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 28 है, लग्जरी कॉस्मेटिक लिमिटेड इश्यूड 30 लैक्स 9% डिबेंचर 500 ईच एट डिस्काउंट 4% रिडीम एट प्रीमियम। अब देखिए 30 लैक्स 9% डिबेंचर 4% डिस्काउंट पे है, 5% प्रीमियम पे है, ये डिस्काउंट पे है, 200 रुपए एप्लीकेशन पे है, 300 रुपए किस पे है अलॉटमेंट पे है, आपने इश्यू की ट्रांजेक्शन करनी है। तो देखिए जो इश्यू की आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें हम बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन 4 डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी 30 लाख × 200 60 करोड़, नाइन परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर 60 करोड़, फोर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। अब देखिए अलॉटमेंट 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू
9% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब देखिए ₹300 प्रीमियम आपका बन गया ₹25, ₹20 डिस्काउंट का लॉस, ₹25 प्रीमियम का लॉस, और जो अलॉटमेंट है वो आपका बन गया 275। इस प्रकार से आपने करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें ₹300 का डिवेंचर है, आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया है, अब आपके डिवेंचर हैं 30 लाख, 30 लाख के डिवेंचर हैं, तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 13,50,000, 30 लाख इंटू 45, 13,50,00,000, और 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 करोड़, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 7,50,00,000। अब इसमें से हम ये घटा देंगे तो 84 करोड़ जो है वो आपका इसमें आ जाएगा। 4 डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट 84 करोड़। फोर डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है 2015 अप्रैल 1 को आप इशू करेंगे, 500 डिबेंचर है, 9% ₹500 का है, 4% डिस्काउंट पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अब आपका 4% डिस्काउंट है तो 500 × 480 हो गए, ठीक है। 4 डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 2,40,000 रुपए, नाइन परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 480 रुपए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 45 रुपए हो जाएगा, ₹25 प्रीमियम का और ₹20 डिस्काउंट का, ठीक है। टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो देखिए 2,40,000 रुपए है, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500 रुपए है। इसके बाद डिबेंचर हो गए आपके 2,50,000 रुपए के और 12,500 रुपए आ गया प्रीमियम, ठीक है। 4 डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, अब आपने क्या करना है, इंटरेस्ट लगाना है। तो देखिए इसमें इंटरेस्ट एक बार सितंबर में इसमें 30 सितंबर को लगाना है और एक बार आपने मार्च में लगाना है, तो 30th सितंबर को इंटरेस्ट लगाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू TDS पेबल अकाउंट, अब देखिए 2,50,000 का 9%, 2,50,000 का 9% आपका जो इंटरेस्ट बनता है 22,500 बनता है, आधा लेना है 11,250, 10% TDS है तो 1125 TDS हो गया और 10,125 आपका डिबेंचर होल्डर को हो गया। 4 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे।
डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 10,180 की पेमेंट करेंगे, 10,125 की फोर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड टू डिवेंचर होल्डर। इसके बाद हम क्या करेंगे, TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,125 रुपए फोर TDS डिपॉजिट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट। आप देखिए जो आपकी ये तीन ट्रांजैक्शन है सितंबर की, 2016 मार्च 31 को रिपीट होंगी ये ट्रांजैक्शन। हम फिर यही करेंगे सेम ट्रांजैक्शन, और उसके बाद हम क्या करेंगे इसी डेट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। टोटल अमाउंट दोनों की छः महीने की जो है 22,500 फोर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं।